हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों को मैं आज लोडर के बारे में कुछ खास जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो हाँ, तो स्टार्ट करते दोस्तों, हैं। जैसे देख पा रहे होंगे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये SDLG का भी लोडर है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल कितना लगता है, इंजन ऑयल कितना पड़ता है और ट्रांसमिशन ऑयल कितना पड़ता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इसमें इंजन ऑयल कितना पड़ता है और कहाँ से पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी के जो है लेफ्ट साइड आइए। लेफ्ट साइड आने के बाद ये टायर के पास से आप ये दरवाज़ा खोलिए, ये सील दिया है डोर। खोलने के बाद में आप देख पा रहे होंगे इंजन, इसमें जो है यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है और 28 लीटर ऑयल पड़ता है इसमें। 15W40 का 28 लीटर ऑयल इसमें पड़ता है। तो आपको चलिए समझ अब आपको बता देते हैं इसमें हाइड्रोलिक ऑयल कितना लगता है और कहाँ है इसका टैंक। देखिए, हम यहाँ आ गए हैं और ये लेफ्ट साइड से गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। गाड़ी पे अब आ गए हैं और ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोलिक टैंक। देख पा रहे होंगे गाड़ी के ठीक पीछे, देख पा रहे होंगे, और ये है हाइड्रोलिक ऑयल गेज। इसमें आप देख के जो है ऑयल डाल सकते हैं। इसका कैपेसिटी है 160 लीटर। आज इसमें आप इसमें जो है 10W ऑयल डाल सकते हैं, 10W हाइड्रोलिक ऑयल या फिर 68, कोई एक ही ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अब आपको बताऊँगा इसमें ट्रांसमिशन ऑयल कितना लगता है। तो चलिए आप लोग को बता देता हूँ इसका टैंक कहाँ कहाँ से डाला जाता है। देखिए, आप लेफ्ट साइड में जहाँ से चढ़ते हैं गाड़ी पे, ठीक उसी के बगल में अंदर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से जो है ट्रांसमिशन ऑयल, इसको ओपन करके यहाँ से डाला जाता है। ट्रांसमिशन ऑयल इसमें 15W40 का डाला जाता है। उसे ट्रांसमिशन ऑयल 30 नंबर का वो दूसरे गाड़ी के लिए है, लेकिन इस गाड़ी में जो है 15W40 का ही डाला जाता है, जो इंजन ऑयल इंजन में पड़ता है। इसमें जो है 35 से 40, किसी गाड़ी में 35 आता है, किसी में 40, इसमें जो है 40 लीटर डाला जाता है। अब देख पा रहे होंगे इसका टैंक जो है नीचे दिया है, देख पा रहे होंगे शायद आप, ये है यहाँ पे ऑयल आके, यही है ट्रांसमिशन इसका। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब इसके डीजल टैंक के बारे में बता दे रहा हूँ, इसका कितना कैपेसिटी है। आप देख पा रहे होंगे ठीक सामने राइट साइड में डीजल टैंक दिया गया है। यहाँ से जो है यहाँ से डीजल डाला जाता है। आप नीचे गेज देख पा रहे होंगे, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी है 240 लीटर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा गाड़ी के राइट साइड में इसका जो है दिया रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी इसके बारे में वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और कोई भी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।